हेलो गाइस, दिस इज द वीडियो रिगार्डिंग दैट हाउ टू एनालिसिस योर कैट मॉक। तो कई बार कह रहता है कि हम मॉक तो देते जा रहे हैं लेकिन हमारा जो कैट का जो मॉक का स्कोर है वो हम इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं और हम डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं सम टिप्स दूंगा। तो ये मतलब पूरा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक दीजिए। तो उसके पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अब काफ़ी कम टाइम बचा है, अप्रॉक्स 50 डेज के समथिंग। तो आप किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ऑन एनी टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी मतलब एक वीडियो बना सकता हूँ फॉर यू, जिससे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समटाइम्स कॉमन ही प्रॉब्लम्स होती हैं इन द कैट मॉक्स और एनी थिंग्स MBA रिलेटेड टॉपिक। तो आइए हम बात करते हैं कि हाउ टू एनालिसिस योर कैट मॉक स्कोर। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही हिम्मत की बात है कि आप कैट मॉक दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि उनका लो स्कोर आ रहा है तो वो मतलब क्विट कर देते हैं कि मतलब अब हमको मॉक ही नहीं देना क्योंकि कम स्कोर आता है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मॉक देना छोड़ दें, मतलब आपको तो उनसे मतलब मॉक ये नहीं है कि मतलब आपका कम स्कोर आ रहा है आप अपना देना छोड़ दिया। मॉक तो मतलब एक लर्निंग स्किल है, मतलब आप जितना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा मॉक देंगे जितना गलतियां करेंगे उनसे सीखेंगे। क्योंकि जितनी भी आपको गलतियां करना है आप मॉक में कर लीजिए, ये फाइनल है। जितना भी आपको गलतियां करना है आप मॉक में कर लीजिए, और आपको एक भी सेम गलतियां आपको कैट मॉक में रिपीट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका कॉम्पिटिशन है ना, वो उन जो आपको पता है कि जो 2 लाख स्टूडेंट देते हैं उनसे नहीं है। यहाँ पे जो आपका कॉम्पिटिशन है वो आपका खुद से है, मतलब आपको हर डे मतलब आपको खुद से मतलब इम्प्रूव करना है। जैसे कि आपका 75% आया है तो आपका नेक्स्ट डे आपको ट्राई करना है 75 आए, फिर 80 आए, 85 आए, 90 आए। तो मतलब जो भी चेंजेस हैं, जो भी कॉम्पिटिशन है, आपको खुद को बेहतर बनाना है, खुद से करना है, और आपको फाइनल डे मतलब आपका जो कैट है आपको क्रैक करके आना है। तो मैं यहाँ पे कुछ सम आपको टिप्स दूंगा जिससे कि आप मतलब अच्छे से आप एनालिसिस कर पाए मॉक में। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं वो मॉक तो लिख देते हैं मतलब टू आवर्स के समथिंग, 2 आवर्स का, 3 आवर्स का। तो लगभग आप मान लो आपका 2 आवर्स का मॉक है, तो आप मॉक तो दे रहे हैं लेकिन आपको लगभग उस पर कम से कम 5 आवर इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको एनालिसिस करने के लिए। जी हाँ, आपको उसको एनालिसिस करने के लिए आपने 2 आवर का मॉक दिया है तो आपको कम से कम उस पर 5 आवर देना पड़ेगा उसको एनालिसिस करने के लिए। और मैं बताऊंगा कि ये आपको 5 आवर कैसे देना है। तो क्या रहता है कि मतलब आपने 2 आवर का मॉक दिया, अब आपके पास उस पर 5 आवर आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले तो आप उसको देखिए कि मतलब आपने ये वाले चैप्टर्स का, ऐसे क्वांट का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने ये वाला क्वेश्चन किया था तो आप पहले उसका रीजन जानिए कि ये मतलब क्वेश्चन मैंने किया था तो गलत क्यों हुआ। तो गलत होने के रीजन कई बार हो सकते हैं कि आपने ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा था तो आपको उसका कुछ आइडिया ही नहीं था और आपने मार दिया। तो मतलब कैट एग्जाम में आप कभी भी तुक्का मारने वाली गलती मत करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है, यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी 0 के समथिंग आती है। तो मतलब 0 के समथिंग आती है और मतलब आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो आप कैट में मतलब उस हिसाब से कैट में कभी भी मतलब तुक्का मारने की कोशिश मत करना। बाकी जिनमें +4 और -1 रहती है तो उन वाले एग्जाम्स में आप तुक्का मार सकते हैं, तो उसमें हमेशा आप रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव ही पाएंगे। लेकिन कैट में तुक्का मारने की कोशिश मत करना, मतलब एटलीस्ट मॉक में तो करना ही मत, क्योंकि उससे आपको मतलब एनालिस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो स्टडी मतलब तुक्का वाली स्टडी बिल्कुल भी मत अपनाना मॉक में, मतलब आपसे जितना बन रहा है उतने ही क्वेश्चन करें। तो फिर क्या होगा कि मतलब आपने मान लो कैट दिया, आपने 2 घंटे का दिया, अब आपका स्कोर जितना भी आया अभी आप उस पर मत फोकस करिए, आप मतलब को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। जैसे आपने मॉक दिया तो उसके बाद आपको एनालिसिस कैसे करना है कि मतलब पहले तो आप एक मतलब एक गो थ्रू करिए कि आपको पहले मतलब आप देखिए कि आपका किस चैप्टर से, ऐसे क्वांट का एग्जाम्पल ले रहे थे अपन, तो आप देखिए कि मतलब आपका किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है। तो मतलब आप कहीं साइड में लिख भी सकते हैं, तो मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक बार आपने वो चीज़ पकड़ ली तो आपका डेफिनेटली स्कोर इम्प्रूव होगा। ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब मॉक देते जा रहे हैं आपका स्कोर ही इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो कोई मतलब भी नहीं है मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का। उससे बढ़िया है कि आप उसी चीज़ को जो आपने मिस्टेक की है उसको ही आप मतलब एनालिस कर लें सही से कि आपने क्या मिस्टेक की है, तो आप मतलब उससे ओवरकम कर सकते हैं
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखिए, आप पहले तो मिस्टेक्स देखिए, आपका किस चैप्टर्स का क्वेश्चंस हो मतलब गलत हो रहा है। तो कई बार ये सोच सकता है कि आपको वो चैप्टर आता है लेकिन आपका क्वेश्चंस गलत हो गया है, तो आपको लगता है ये तो मुझे चैप्टर आता है लेकिन मैंने सिली मिस्टेक कर दिया है। कई बार मतलब बहुत कुछ होगा और आपको मतलब पहले आपको रीजन फाइंड करना होगा, और मतलब उस क्वेश्चन से साइड में आप नोट्स बना सकते हैं कुछ भी कि मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, मतलब आप उसका रीजन जानिए, मेरा इस वजह से रीजन हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि अपना जो ह्यूमन माइंड है वो पूरा लिमिटेड रहता है कि मतलब आपने वो चीजें बहुत मतलब आपको वो टॉपिक आता है सब कुछ है लेकिन आपने उसके क्वेश्चंस रिपीट मतलब रिवाइज नहीं करे हैं, आपने फॉर्मूला रिवाइज नहीं करे हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत दिन से नहीं करे हैं, तो क्या होगा एक टाइम के बाद वो पूरा चैप्टर आपके माइंड से उड़ जाए, मतलब आपको आता है वो आपके माइंड में कहीं सेट है लेकिन आप क्लिक नहीं होती है टाइम पे चीजें और आप बार बार उसको गलत कर जाते हैं। तो नाउ अब जो टाइम है वो रिविजन्स का भी टाइम है कि मतलब आपको मोस्ट ऑफ द फोकस आपको रिविजन्स पे भी देना है कि आपने जो चैप्टर्स किए थे एक बार आप मतलब जो भी आपने बुकलेट्स थी आपने जिस भी कोचिंग का मटेरियल लिया हो तो उसके आप जो क्वेश्चंस है ना तो उन पे भी फोकस करिए कि मतलब जो एक बार आप चाहें तो मतलब शुरू से लास्ट तक के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं एक बार वो पूरा रिवाइज हो जाएं, उनके मतलब पूरे क्वेश्चंस ना कर पाएं लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं तो उठाएं और उसके क्वेश्चंस कर लें, तो इस टाइप की मतलब हो सकती है। तो उसके बाद मतलब जो और उसके बाद आप फोकस करिए टाइमिंग पे, तो मतलब जो टेस्ट सीरीज रहती है उनमें लिखा रहता है कि आपने जो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने इतना टाइम लिया, जो टॉपर था उसने इतना टाइम लिया और जो एवरेज स्टूडेंट थे मतलब जो पूरा का जो एवरेज है उसने इतना टाइम लिया, तो आप उनसे मैच करके देखिए कि आप कहाँ स्टक कर रहे हैं। आप मतलब जो टॉपर था मतलब ऐसा भी हो आप टॉपर से कई बार जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कई बार आप उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, मतलब आप कई बार उसमें एवरेज स्टूडेंट से भी ज़्यादा टाइम लगा देंगे, तो वो आपको शो कर रहा है कि आप यहाँ पर स्टक कर रहे हैं कहीं ना कहीं टॉपिक में, तो ये आपका वीक पॉइंट है। मतलब भाई यदि आप लड़ने जा रहे हैं कुछ बॉर में तो आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, तो आप उस चीज पर वर्क करिए। उसमें टाइमिंग देखिए कि आपने इतना टाइम लिया है क्वेश्चन करने में, मतलब यदि आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ये वीक पॉइंट है और आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है, तो आप मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए उसको बार बार और एनालिसिस मतलब, और फिर इसके बाद यही आपकी मतलब एंड नहीं हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं, ओके मेरा ये क्वेश्चन मतलब आप एक एक राइट डाउन के लिए आपका सही हुआ गलत हुआ और आपने छोड़ दिया, मतलब ये पता होना चाहिए कि आपने अटेम्प्ट किया छोड़ दिया मतलब और गलत हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं वो पता क्या करते हैं कि मतलब मॉक देने के बाद एनालिसिस करने के बाद पता वो क्या करते हैं कि सीधा ही मतलब सॉल्यूशन पे जंप आउट कर जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जी हाँ, आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे क्वेश्चन आया आपने सॉल्यूशन भी देखने चले गए या उसका वीडियो सॉल्यूशन देखने चले गए, नहीं, आपको उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना है, आपको एक बार अटेम्प्ट करना है, दो बार अटेम्प्ट करना है, तीन बार अटेम्प्ट करना है, तो यदि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली वो पहली ही बार में सही हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा अपना मिस्टेक क्या की थी। यदि आप डायरेक्टली मतलब सॉल्यूशन पे जंप आउट कर जाएं तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आपने गलती क्या थी, गलती क्या की थी वहां और अभी क्या की थी। और मतलब एक चीज वो भी मतलब एक इम्पोर्टेंट बताने वाली बात है कि मतलब आप जब मॉक देने जाते हैं तो कई बार टेस्ट सीरीज में क्या रहता है कि उसका सॉल्यूशन 3 और 4 दिन बाद आता है, तो उसके बाद क्या रहता है कि आप भूल ही जाते हैं आपने मिस्टेक क्या थी, क्या की थी 4 से 3 दिन, और मतलब जो पेजेस रहते हैं तो वो भी मतलब, तो वो जो आपने जिस पेजेस पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना उनको फेंके ना, मतलब वो आप मतलब रख मतलब आपके जो सेट्स बनाए हैं वो भी आप पेजेस रखे रहे हैं आपके पास, और अब आप जो अगेन अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे क्या होगा कि आपने जो गलतियां की थी पिछली तो उसमें लिखा रहेगा कि वो कई बार ऐसा रह सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो, तो उसमें जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स रहती हैं तो उसमें आपको वो रीजन दिख जाएगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी तो इस वजह से मेरा आंसर गलत हो गया, और अनदर रीजन हो सकते हैं, एक सिली मिस्टेक्स हो सकती है और कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो मतलब आप जो उससे मतलब आपको दिख जाएगा कि आपने इस बार अटेम्प्ट किया तो आपका पहली बार में बन गया, दूसरी बार में बन गया, और पहले आपने अटेम्प्ट किया तो वो ये सिली मिस्टेक कॉन्सेप्ट मिस्टेक, मतलब सब आपको रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो लड़ाई है जो कैट एक्सपीरियंस की वो आपको खुद से है, आपको खुद से मतलब खुद को इम्प्रूव करना है, तो ये भी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आप क्या करें मतलब आपको 2-3 बार में भी नहीं बनना है तो फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि मतलब कैसे है, और यदि आपको उसके बाद भी नहीं बन रहा है फिर आप जाएं वीडियो सॉल्यूशन पे, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन बन गया तो फिर आप वीडियो सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि आपने क्योंकि एक ऐसे पॉइंट का ही एग्जांपल लेते हैं, तो
उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड नहीं रहती है, ऐसे कॉन्सेप्ट कई बार रहता है। वीडियो सॉल्यूशन में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया है आपको, और आप वो यदि आपने मान लो वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखा, आपने कहा वो हो गया मुझसे तो अब मुझे इसमें कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उस पर टाइम लिया है 2 मिनट और 3 मिनट, लेकिन हो सकता है वो वीडियो सॉल्यूशन में ऐसा मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट बताया उसने कि वो मतलब वो वाला क्वेश्चन आप कहीं 1 मिनट और 30 सेकंड और 50 सेकंड्स में भी कर दी थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब उसके बाद भी आप गो थ्रू करें वीडियो से, तो आप समझ ही गए होंगे आपको लगभग इससे 5 घंटे से भी ज़्यादा लग सकते हैं इसमें, मतलब अब इस तरह से पूरा मतलब करेंगे तो मतलब पूरा जो एनालिसिस करेंगे तो मतलब ये जरूरी है, क्योंकि भाई आपको पहले पता होना चाहिए आप कहाँ लैग कर रहे हो, मतलब कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो। यदि वो आप सही से समझ लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, मतलब आप धीरे धीरे और मतलब यदि आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी 70% रहा है तो 80 होगा, 90 होगा, 95 होगा, और कैट के दिन आप 99 भी कर सकते हैं। तो मतलब कुछ सम चेंजेस लाइए, मतलब यदि आपको चेंज नहीं लाए, आपको सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो चल रहा है, तो कभी इसको मतलब इम्प्रूव नहीं होगा। मतलब आपको मतलब पैटर्न के साथ आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे आपकी स्ट्रेटजी में। यदि आप वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली इम्प्रूव भी होगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, सो दिस इज़ ऑन माय साइड, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।